जय हिंद साथियों, मैं संजीव वैद्य आज आपके सामने पेश कर रहा हूं ब्रिटिश शासनकाल की एक दिल दहला देने वाली घटना, ठगी का शिकार और कर्नल विलियम्स ली। जिस रास्ते से वो गुजरता था वहां कोसों दूर इंसान तो क्या, इंसानों की छाप तक मिलनी बंद हो जाती थी। जहां जहां भी वो जाता, लोग इलाका खाली कर उसकी पहुंच से दूर निकल जाते। जानते हैं क्यों? इंसान के वेश में वो एक खूंखार जानवर था। पैसे के लिए वो लोगों को अपना निशाना बनाता था और उसका हथियार होता था रुमाल। जी हाँ, एक पीला रुमाल। वो रुमाल से देता था अपने शिकार को मौत, क्योंकि खून से लगता था दुनिया के सबसे खूंखार सीरियल किलर को डर। एक नहीं, दो नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, पूरे 931 लोगों को उतारा था उसने अपने पीले रुमाल से मौत के घाट। व्यापारी, काफिला और पीला रुमाल, ये दास्ता है एक ऐसे ठग की जिसे दुनिया का आज तक का सबसे क्रूर सीरियल किलर का खिताब हासिल है। बहराम नाम का यह ठग असल में था बेरहम ठग। भोले भाले व्यापारियों के काफिले को अपना निशाना बनाता था। बहराम ठग का दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने इस रास्ते से चलना बंद कर दिया था। बहराम ठग को समझने के लिए हमें उसी युग में 1765 से 1840 में चलना होगा जिसमें वो रहता था। 18वीं सदी खत्म होने को थी। मुगल साम्राज्य खत्म हो चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में अपनी जड़ें जमा ली थी। ब्रिटिश पुलिस देश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हुई थी, लेकिन दिल्ली से जबलपुर के रास्ते में पड़ने वाले थानों में कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब कोई पीड़ित व्यक्ति अपने करीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज न कराने आता हो। अंग्रेज अफसर परेशान थे, इतनी बड़ी तादाद में लोग गायब कैसे हो रहे हैं। कराची, लाहौर, मंदसौर, मारवाड़, काठियावाड़, मुर्शिदाबाद के व्यापारी बड़ी तादाद में रहस्यमय परिस्थितियों में अपने पूरे के पूरे काफिले के साथ गायब थे। तिजारत करने जाते इन व्यापारियों के मुनीम और कारिंदे भी रास्ते से गायब हो जाते। लखनऊ की खूबसूरत तवायफ हो या डोली में बैठकर ससुराल जाती नई नवेली दुल्हने, या फिर बंगाल से इलाहाबाद और बनारस के तीर्थ यात्रा पर जाने वाले दल, सभी रास्ते से गायब हो रहे थे। छुट्टी से घर लौट रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की टोली भी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौट रही थी। उनका भी कहीं कोई अता पता नहीं था। पुलिस की फाइलें लगातार गायब हो रहे लोगों की शिकायतों से बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंग्रेज अफसर चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आलम यह हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करना पड़ा। फरमान के मुताबिक कंपनी बहादुर का कोई भी सिपाही या सैनिक इक्का दुक्का यात्रा नहीं करेगा। यात्रा करते वक्त सभी सैनिक बड़े झुंड में चलें और अपने साथ ज्यादा नकदी लेकर ना चलें। व्यापारी हो या फिर तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालु या फिर चार धाम की यात्रा करने जा रहे परिवार, सभी निकलते तो अपने अपने घरों से थे, लेकिन ना जाने कहां गायब हो जाते। ये एक रहस्य था। काफिले में चलने वाले लोगों को जमीन खा जाती या आसमान निगल जाता, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि पुलिस को इन लगातार गायब हो रहे लोगों की लाश तक नहीं मिलती थी। लाश मिलने के बाद पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ सकती थी। आखिर कैसे गायब हो रही थी लाशें? सन 1809 में इंग्लैंड से भारत आने वाले अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम्स लीमेन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगातार गायब हो रहे लोगों के रहस्य का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। थोड़े ही दिनों में कैप्टन लीमेन को पता चल गया कि इन लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। इन लोगों को गायब करने वाले ठगों का एक गिरोह था, एक ऐसा गिरोह जो करता था लूटपाट के लिए हत्या। इस गिरोह में करीब 200 सदस्य थे।
इस गिरोह का मुखिया था बहराम, जो हाईवे और जंगलों पर अपने साथियों के साथ घोड़ों पर घूमता रहता था। उसके निशाने पर होते थे तिजारत करने वाले व्यापारी, अमीर सेठ, हर वो शख्स जिसके पास धन दौलत होती थी वो बन जाता था ठगों का शिकार। बहराम ठग के नेतृत्व में ही गिरोह के बाकी सदस्य लूटपाट और हत्याओं को अंजाम देते थे। इन ठगों के गिरोहों के खिलाफ कर्नल विलियम स्लीमैन ने पूरे उत्तर भारत में एक मुहिम छेड़ दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नल स्लीमैन को ठग एंड डेकॉयटी डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। इस ऑफिस का मुख्यालय स्लीमैन ने जबलपुर में बनाया। स्लीमैन जानते थे कि जबलपुर और ग्वालियर के आसपास ही ठग गिरोह सक्रिय हैं। ये दोनों ऐसी जगह थी जहां से देश के किसी भी कोने में जाने के लिए गुजरना पड़ता था। साथ ही साथ इन इलाकों की सड़कें घने जंगलों से होकर गुजरती थी। इसका फायदा ठग बड़े आराम से उठाते थे। एक तो इन सुनसान जंगलों में किसी को भी निशाना बनाना आसान होता था, साथ ही साथ अपने शिकार का काम तमाम करने और यहां छिपना भी आसान था। कर्नल स्लीमैन ने जबलपुर में अपना मुख्यालय बनाने के बाद सबसे पहले दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक के हाईवे के किनारे जंगलों का सफाया कर दिया। इसके बाद स्लीमैन ने गुप्तचरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया। कहते हैं कि भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो की नींव तभी की रखी हुई है। गुप्तचरों की मदद से स्लीमैन ने पहले ठगों की भाषा को समझने की कोशिश की। ठग अपनी इस विशेष भाषा को रामोसी कहते थे। रामोसी एक सांकेतिक भाषा थी जिसे ठग अपने शिकार को खत्म करते वक्त इस्तेमाल करते थे। जैसे पक्के ठग को बोरा या औला कहते थे, ठगों के गिरोह के सरगना को जमादार कहते थे, अशर्फी को कहते थे गान या खार, जिस जगह सारे ठग इकट्ठे होते थे उसे कहते थे बाग या फूर, शिकार के आसपास मंडराने वाले को कहते थे सोथा, जो ठग सोथा की मदद करता था उसे कहते थे दक्ष, पुलिस को वो बुलाते थे डांकी के नाम से, जो ठग शिकार को फांसी लगाता था उसे फांसी गिर के नाम से जाना जाता था, जिस जगह शिकार को दफनाया जाता था उसे तपोनी कहते थे। करीब 10 साल की कड़ी मशक्कत के बाद कर्नल स्लीमैन ने आखिरकार बहराम ठग को गिरफ्तार कर ही लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद खुला उत्तर भारत से लगातार हो रहे हजारों लोगों के गायब होने का राज, एक ऐसा राज जो सिर्फ उस वक्त बहराम गिरोह को ही मालूम था। गिरफ्तारी के बाद बहराम ठग ने बताया कि उसके गिरोह के कुछ सदस्य व्यापारियों का वेश बनाकर जंगलों में घूमते रहते थे। व्यापारियों के वेश में ठगों का पीछा बाकी गिरोह करता था। रात के अंधेरे में जो भी व्यापारी का काफिला जंगल से गुजरता, नकली वेश धारण करने वाले ठग उस काफिले में शामिल हो जाते थे। ठगों का यह गिरोह धर्मशाला और बावड़ी इत्यादि के आसपास बेहद सक्रिय रहता था। काफिले के लोगों को जब गहरी नींद आने लगती तो दूर से गीदड़ के रोने की आवाज आने लगती। यह गीदड़ की आवाज पूरे गिरोह के लिए एक सांकेतिक आदेश होता था कि अब काफिले पर हमला बोला जा सकता है। थोड़ी ही देर में अपने गिरोह के साथियों के साथ बहराम ठग वहां पहुंच जाता। सारे ठग पहले सोए हुए लोगों का मुआयना करते। बहराम ठग अपने गुर्गे को अपने सबसे पसंदीदा रुमाल लाने का आदेश देता। पीला रुमाल मिलते ही बहराम ठग अपनी जेब से एक सिक्का निकालता और रुमाल में एक सिक्का डालकर गांठ बनाता। सिक्के से गांठ लगाने के बाद बहराम ठग एक एक कर सोते हुए काफिले के लोगों का गला घोंट देता। काफिले में शामिल सभी लोगों को मौत की घाट उतारने के बाद बहराम ठग साथियों के साथ मिलकर जश्न मनाता था। लेकिन जश्न के पहले उन्हें करना होता था एक और काम। ठग मरे हुए लोगों की लाशों की घुटने की हड्डी तोड़ देते। हड्डी तोड़ने के बाद लाशों को तोड़ मोड़ कर मौका वारदात पर एक गड्ढा खोदकर दबा देते। दरअसल काफिले में शामिल व्यापारियों को मारने के बाद बहराम ठग और उसके गिरोह के सदस्य उनकी वही कब्रगाह बना देते थे।
अगर उनकी वहीं कब्रगाह बनाना संभव ना हुआ तो उनकी लाशों को पास के ही किसी सूखे कुएं में या नदी में फेंक देते। यही वजह थी कि पुलिस को गुमशुदा लोगों की लाश कभी नहीं मिलती थी और ना ही इन ठगों का कोई सुराग मिल पाता था। जब तक बहराम ठग और उसके साथी काफिले के लोगों को ठिकाना नहीं लगा देते, तब तक उसके गिरोह के दो सदस्य दूर खड़े हुए पूरे इलाके पर नजर रखते। शिकार का काम तमाम होने तक वे दोनों हाथों में सफेद रुमाल लिए हिलाते रहते। सफेद रुमाल से वे दोनों ठगों को इशारा करते रहते कि सब कुछ ठीक है। जैसे ही उन्हें खतरे का अंदेशा होता, वे दोनों रुमाल हिलाना बंद कर देते। सफेद रुमाल नीचे होते ही ठग चौकन्ना हो जाते, रुमाल हिलने लगता तो वे फिर अपने काम में मशगूल हो जाते। अपने शिकार का काम तमाम करने के बाद ठग मौका है वारदात पर ही जश्न मनाते थे। जश्न के तौर पर जिस जगह मारे गए लोगों की कब्रगाह बनाई जाती, वहां पहले नाच गाना करते, कव्वाली का दौर चलता। गाने बजाने से जब सब थक जाते तो कब्रगाह के ऊपर बैठकर ही वो गुड़ खाते थे। कहते हैं ठग जिस किसी भी नए सदस्य को अपने गिरोह में शामिल करते थे तो उसे कब्रगाह पर बिठाकर गुड़ जरूर खिलाते थे। एक बार कर्नल सलीमैन ने एक ठग से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, हुजूर तपोनी यानी कब्रगाह का गुड़ जिसने भी चखा उसके लिए दुनिया ही दूसरी हो गई। अगर आपने भी इस तपोनी का गुड़ खा लिया तो फौरन ठग बन जाओगे। ऐसा माना जाता है कि सलीमनाबाद थाने में स्थित इस पेड़ पर ठग बहराम को फांसी दी गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, सलीमनाबाद कटनी जिले की एक तहसील का नाम है और इस तहसील का नाम सलीमनाबाद कर्नल विलियम सलीमैन की याद में ही रखा गया है, जहां पर कर्नल साहब की कब्र भी आज मौजूद है। बहराम ठग ने गिरफ्तार होने के बाद खुलासा किया कि उसके गिरोह ने पीले रुमाल से पूरे 931 लोगों को मौत के घाट उतारा। उसने ये भी खुलासा किया कि अकेले उसने ही 150 लोगों की गले में रुमाल डालकर हत्या की है। बहराम की गिरफ्तारी के बाद उसके गिरोह के बाकी सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बहराम सहित जितने भी इस गिरोह के कुख्यात सदस्य थे उन्हें जबलपुर के पेड़ों पर फांसी दे दी गई। जबलपुर में ये पेड़ अभी भी हैं। गिरोह के जितने भी सदस्य थे उनके लिए सलीमैन ने जबलपुर में ही एक सुधार गृह खुलवा दिया। इस बंदी गृह के अवशेष अभी भी जबलपुर में मौजूद हैं। कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन जबलपुर में एक हाट लगता है। हाट में लगने वाली दुकानों के अधिकतर मालिक उन्हीं ठगों की औलादे हैं जिन्हें सलीमैन मुख्य धारा में लेकर आया था। कहते हैं सलीमैन का एक पड़पोता इंग्लैंड में रहता है और उसने अपने ड्राइंग रूम में उस पीले रुमाल को सजो कर रखा हुआ है, वही पीला रुमाल जिससे बहराम ठग लोगों को मौत के घाट उतारता था और जिसके चलते उसे इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक कस्बा है सलीमनाबाद, जो अंग्रेज अधिकारी कर्नल हेनरी विलियम सलीमैन के नाम पर ही बसा है। सलीमनाबाद थाना का पुराना भवन कर्नल सलीमैन की चौकी माना जाता है। यहाँ सलीमैन की याद में एक स्मारक बनाया गया है। साथ ही दीवार पर सलीमैन की उत्पत्ति संबंधी लेख भी लिखा है जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस का जनक कर्नल सलीमैन को बताया गया है। कर्नल सलीमैन की याद में बना स्मारक इतने साल गुजर जाने के बाद भी उनके वंशज यहां आते रहते हैं। कुछ साल पहले इंग्लैंड से सलीमैन के परिजन सलीमनाबाद आए थे। कर्नल विलियम हेनरी सलीमैन की सातवीं पीढ़ी के वंशज स्टुअर्ट फिलिप सलीमैन लंदन निवासी स्टुअर्ट फिलिप यहां आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी कालखंड में मध्य भारत में पिंडारियों का भी बड़ा आतंक था। अधिकतर लोग इन दोनों समूहों को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग समूह हैं। दोनों के काम करने का तरीका भी अलग था। जहां ठग हाईवे और जंगल में लोगों को चकमा या बेवकूफ बनाकर लूटते थे, वहीं पिंडारी डकैतों का समूह होता था जिसकी तादाद हजारों में थी। पिंडारी हथियारों से लैस होते थे और गांव के गांव और कस्बों तक को लूट लेते थे। पिंडारियों को मराठा राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। यही वजह है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को पिंडारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठगी प्रथा का उन्मूलन जहां कैप्टन कर्नल सलीमैन ने किया था, वहीं पिंडारियों को खत्म करने का श्रेय जाता है।
लॉर्ड हेस्टिंग्स और जॉन मेलकम को। हाँ, एक समानता है ठगों और पिंडारियों में, दोनों एक ही युग में थे, यानी 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी के शुरुआत में। अंत में मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1790 और 1840 के बीच इन गिरोहों ने 931 सीरियल किलिंग की, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है।